देखो ये दो घोड़े आए अभी, अच्छे बच्चा लग रहा है मेरे को तो। एक नुकरा है शायद या संजावे और एक चंबा बच्चा ही है। जस्ट अभी गाड़ी आई है। बहुत बढ़िया है। पीछे के पैर बहुत ज़्यादा लग गया हूँ। उधर का क्या? कुठला भाऊ? रांजणगाव देशमुख। रांजणगाव कुठं आलं आहे? कोपरगाव तालुका। कोपरगाव जवळच आहे म्हणजे? अच्छा, दोन घोडे आणले वाटतं आपण। बरं बरं, आपली भेट झाली होती वाटतं ते, है ना, सारंगखेडाला? हां हां, बरं। काय डिटेल्स वगैरे यांची, काय वय वगैरे? 14 महिन्याचं आहे। का हाईट वगैरे तर मस्त घेतली त्याची? काय हाईट आहे त्याची? 59 आत्ता आहे करंट। बालभौरी देवमन चकलेर आहे का? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। आणि तो दुसरा? तो झालेला आहे, 7-8 वर्ष झालेला। अच्छा, वयाचा पूर्ण झालेला? पूर्ण झाला, आता फुल म्हणजे बापा दिला। हां हां, जय मंगल आहे ना? हां जय मंगल आहे, नुकर आहे जय मंगल नुकर आहे। काय लग्नवारतीला चालू आहे? हां लग्नवारतीला चालू। आणि हा बच्चा मग आपण काय आपलं तांग्याला बी चालू शकते, शिकवायला घेऊ शकते? नाही नाही, आपल्याकडे म्हणजे लहानपणापासून घेतला होता। आपण धंदे करतोय ना, खरेदी विक्री खरेदी सारखी। अच्छा अच्छा अच्छा, बरं बरं। पण बाकी उमदा आहे बच्चा, तर चांगला बाल भरू लागले। आणि काय किंमत काय लावली याची बच्च्याची? 90,000 रुपये सांगायला आहे। 90,000? अच्छा, मार्किंग काय त्याची? चारी पाय सफेद आहे का? आणि चंबा आहे थोडासा, चंबामध्ये येईल तो, पण पावटाला पण सफेद डाग आहे ना त्याला, म्हणजे चंब्यामध्ये येईल तो, पण चांगला मार्किंग चांगली त्याची। सवारी वगैरे तर काही चालून गेली ना अजून? बच्चा आहे तर बरोबर। आणि ह्या नोकऱ्याची काय लावली? नोकऱ्याची 45,000 रुपये। 45? थोडा कमजोर भी थोडासा, वयाने पण थोडा जास्त आहे तो। ठीक आहे ठीक आहे। हमारा नाम बहुत बड़ा नाम है, महाराणा प्रताप। पप्पू भाई घोड़ा बच्चा अच्छा है ना? उनके बच्चे ना, वो भाई जी नाम है। अच्छा ना, मालूम है ना, मालूम है। वो तो सबके भाई, हमारे भी बड़े भाई हो, हम चका का हो। बराबर, सबके बड़े भाई, हम काके के छोटे भाई ना। हाँ फिर चलो, बहुत बढ़िया। क्या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है भैया आपका? 77-97-94-36। चलो आप मंडी से नहीं जाएंगे तो घर से भी दे सकते हैं, है ना, घर से दे सकते हैं आप। हाँ। ऐसा चलो ठीक है, एक बार थोड़ा घुमा लो उसको भैया, बताओ तो जरा, घुमाओ तो जरा। पैर को क्या लग गया इसको? वो गाड़ी भी चढ़ते सारे गेट लगे ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देख सकते दोस्तों, 13-14 महीने का बच्चा बोल रहे वो, और हाइट भी अच्छी है बच्चे की तो, बट उमजा बच्चा है। पप्पू दादा, ये थोड़ा एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, अभी 14-15 महीने का है लगभग, है उससे ज़्यादा, 1-2 महीने ऊपर भी हो सकते हैं, देख सकते हैं ना, दांत बता दो तो पप्पू दादा, एक मिनट जरा, छगड़ी मरे तो लगभग। पप्पू दादा, आप नली के हिसाब से अगर माप देखे जाए, नली देख कर आपको क्या लगता है ये बच्चा कहाँ तक हाइट करेगा? 60 के ऊपर जाएगा। 60 के ऊपर जाएगा, यानी खिलाई रहेगा पर ऊपर जाएगा। अच्छा, खिलाई पिलाई रहती है। अच्छा पप्पू दादा, ये मेरे को बोलो। हाँ। बहुत लोगों की ये भी रहती भाई कि नली देख कर होता है, कभी कभी नली तो बड़ी रहती लेकिन तो भी घोड़े 60 होता। अभी इसकी नली देख के मुझे लगता है 62 जाना चाहिए। वो कैसा है, बचपन में अगर उसकी खिलाई कम हो गई, हाँ, तो खाना पीना कम गिरा, हाँ, तो बच्चा हाइट करना जरा कम हो जाएगा, इम्पॉसिबल रहेगा। बचपन से ही खिलाई अच्छी रही, घोड़े की देख रेख अच्छी रही, हाँ, तो हाइट करना ही करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध ज्यादा मिल गया ना। कई बच्चे है कि वो बाप से बड़े हुए, हाँ हाँ, माँ से बड़े रहे। मैंने ये भी देखा है कि भाई नली 14-15 इंच की रहती लेकिन घोड़े इधर 62-64 तक भी चलते, बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, उसको अच्छे से खिलाई पिलाई। बराबर भैया, आप आओ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ ना, आप आओ। कहाँ से हो आप? शिरडी से। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके पास भी घोड़े, यानी घोड़े वाले हो? घोड़े वाले ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तो अपने पास में कितने घोड़े? अभी एक ही। एक ही रखते हो? शादी ब्याह के हिसाब से रखते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ रेस कहाँ पे रही, उधर रहती है तुम्हारे इधर? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? भगवान। भगवान, क्या उम्र है आपकी? तो मुझे
तुम्हारी उम्र 30 है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपकी कद छोटा है लेकिन आप घोड़े संभालते, इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा। आदमी छोटा है पर नाम नाम बड़ा है। बड़ी है उसको पूरा ऐसा समझ लो पूरा महाराष्ट्र पहचानता है। नहीं क्या मेरे को, मैं तो पहली बार देखो। चलो आप ही बता दो, आप ही बताओ महाराष्ट्र कैसे पहचानते हैं, क्या उनके कैसे वो खासियत है उनके, वो खुद अकाल को बैठते। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा भगाते तो कहाँ पे रहती है रेस भैया? हमेशा कहीं भी नहीं, आपने नजदीक कहाँ पे रहती है? जैसे अपन कर जो मेले चालू है छोटे छोटे। हाँ हाँ, अभी अपना नगर सुल हो गया है। हाँ हाँ, अंदर सुल हो गया। अच्छा अच्छा, पिंपल घुटा हुआ है। तो कभी मेरे को इन्फॉर्म करो, अपन करेंगे ना, आपको बोलता है ना, बोलता हूँ चलेगा ना। तो आप कितने दिनों से वो रेस वगैरह में भगाते हो भैया? 2 साल से। अच्छा अच्छा, तो आपने घर में कौन सा घोड़ा है अभी घर पे? अभी मारवाड़ मारवाड़ में मारवाड़ बच्चा मैंने दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो शिरडी, प्रॉपर शिरडी में रहते क्या? शिरडी थोड़ा इधर है। रातगांव नहीं, आपने ही नहीं, इससे पहले कौन सा? सोनेवाड़ी में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ढौड़ी वेर से, ढौड़ी और सवड़ी वेर, सवड़ी वेर। चलो ठीक है, बहुत मिलके अच्छा लगा। और आप जैसे मतलब आपके कद के हिसाब से आप घोड़े संभालती है, मेरे को अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया। और आगे कभी आपके शिरडी में आएंगे तो जरूर मिलेंगे पप्पू भैया से, नंबर लेंगे आपका, इनका नंबर है ना आपका? चलो ठीक है, अपन ही जाएंगे साथ में। चलो ठीक है, खाना पीना खिलाएंगे ना? हाँ बोलता हूँ। तो क्या नाम बताया आपने? भगवान राउत। भगवान राउत, चलो इस बार आप इनको खड़ा करो, एक फोटो भी ले लेंगे। चलो ठीक है, तो ये रेस के राइडर है, राइडर बोल सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो ओके, चलो थैंक यू।